सिद्धू मूसेवाला, वो मशहूर गायक जो गाता तो पंजाबी में था लेकिन उसकी आवाज सात समंदर पार तक सुनी और सराही जाती थी। उम्र थी महज 29 साल और पिछले साल मई महीने की 29 तारीख को ही अपने गांव से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर हथियारों की गोलियों का शिकार बन गया। वो गोलियां जिन हथियारों से निकली वो इस देश में बिकते तक नहीं, यानी कि साजिशें इंटरनेशनल थी और वजह थी गहरी रंजिश। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर्स साफ कहते हैं कि उसका थापी मारना हमें रास नहीं आ रहा था। दरअसल ये मूसे वाले का सिग्नेचर स्टेप था। वो थापी मारता, अपने गानों से क्रांति लिखता और सोचता था कि पंजाब की सियासत में एंट्री आसान हो जाएगी। एंट्री तो हुई थी लेकिन चुनावी नतीजों ने एग्जिट भी उतनी ही तेजी से करा दिया। मूसेवाले की मौत के बाद कैसा है उसका मूसा गांव और वहां रहने वाले लोगों का जीवन, आइए जानते हैं। मूसे का नजारा कुछ ऐसा है जैसे पूरा क्षेत्र उस एक शख्स के लिए समर्पित हो। हर दुकान, हर चौराहे पर उसकी तस्वीरें, हर ट्रैक्टर और गाड़ी में उसी के गाए गाने। इस हत्याकांड को एक साल बीत चुका है। गांव के हर शख्स ने पिछली 29 मई को ऐसे मातम मनाया जैसे अपने ही घर का कोई खो दिया हो। आज एक साल बाद भी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर यही लाइन है कि हमारी खुद की औलाद मर गई। सिद्धू की मशहूरियत का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उसकी मौत के एक साल बाद भी उसके फैंस मूसा गांव सिद्धू का घर देखने आते हैं। कई लोगों की भीड़ के बाद भी गांव में एक अजीब तरह का सूनापन बिखरा हुआ है। बेटे के जाने का ठीक से गम भी नहीं मना पाए माता पिता के सर पर ये फैंस भी एक जिम्मेदारी की तरह ही हैं। पहले फैंस के इस भीड़ को सिद्धू हंसकर डील कर लेता था लेकिन अब ये सिद्धू के माता पिता से मिलने आते हैं। सिद्धू की हवेली पर लोगों का हजूम रहता है। सिद्धू की माँ अब भी अपने बेटे की राह ताकती है जबकि उसके पिता लोगों से डील करना सीख चुके हैं, या यूं कहें कि वक्त ने उन्हें सिखा दिया है। पिता के अंदर सिस्टम को लेकर रोष है। उनका कहना है कि इस उम्र में बंदूकों से तो मैं नहीं लड़ सकता, आवाज ही बुलंद कर सकता हूँ, लेकिन ये सरकार मुझे वो भी नहीं करने देना चाहती। मेरा जवान बेटा तो चला गया लेकिन यहाँ दुश्मन अब भी कई हैं, इसलिए पावर बहुत जरूरी है। जब हमारी सरकार आएगी तो सबको देख लिया जाएगा। इसके साथ ही वे कहते हैं कि मैं तो फौजी था लेकिन अब वक्त ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि समझ नहीं आता कि देश के लिए अच्छा कहूं या बुरा। मेरे जवान बेटे को मरे एक साल हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। हथियारे जेल में बैठकर इंटरव्यू करते हैं, सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल किया जाता है, मेरी तस्वीरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। सिद्धू नई पीढ़ी की आवाज था। सिद्धू के गानों में सच्चाई होती थी। यही तो आज के समय की सच्चाई है। एक राजस्थानी फैन ने सिद्धू मूसेवाले का गाना 295 भी गाकर सुनाया। फैन को पंजाबी तो नहीं आते थे लेकिन वो जितना भी सिद्धू के शब्दों को समझ पाया उसने गाकर सुनाया। गांव में कई युवकों ने अपने हाथों पर सिद्धू के टैटू बनवाए हुए हैं। कई ऐसे फैन जो कड़ी धूप में भी सिद्धू मूसेवाले की बनाई चीजों, उनकी गाड़ियों और ट्रैक्टर के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। वो जवाहर के गांव है जो कि मूसा से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, जहां सिद्धू की हत्या हुई थी। वो किसी और के घर की दीवारें हैं। AK-47 से किए हुए फायर कितनी तेज और दूरी से रहे होंगे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीवारों में काफी गहरे छेद हैं। गांव वालों ने उस दीवार को लाल रंग के पेंट से हाईलाइट कर दिया है और छेदों को कांच के शीशों से रंग दिया है। सड़क पर थार गाड़ी जितनी जमीन को भी अलग से उकेरा हुआ है। ये सब कवायदें, कोशिशें, सब उस 29 साल के लड़के के लिए जिसने अपनी जवानी में जो पहचान इस गांव को दी, पूरी दुनिया में दिलाई, ये गांव और इसके निवासी आज भी खुद को सिद्धू मूसेवाले का कर्जदार समझते हैं। शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।